विष्णु महेश अजर अमर नहीं हैं, इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरुभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे एक दूरदर्शी होती है, एक किलोमीटर तक देख सकती है, और एक दूरदर्शी होती है ऊपर के ग्रहों तक को देख लेती है, तो इसी प्रकार जो तुलसीदास जी की दिवदृष्टि यानी दूरदर्शी थी, दूरबीन थी, वो थोड़ी क्षमता की थी। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा पूर्ण ब्रह्म मिले थे, उनको जो दिवदृष्टि दी थी वो फुल रेंज की थी, उसने बहुत आगे और पहले की और भविष्य की सब जानकारी गरीबदास साहिब जी ने दी। और 600 वर्ष पहले परमात्मा जो आए थे, जो जो उनकी वार्ता हुई थी, वो अपनी लैंग्वेज में यथार्थ घटना चित्रार्थ की वो सुनिएगा। 84 बंधन कटे की निकल्प कबीरे, भवन चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीरे हैं जननी जने नवाए। परमात्मा स्वयं भी कहा मालिक नाकर के, मात पिता मेरे कछु नाही ना मेरे घर दासी, जुल्हे का सुत आण कहाया जगत करे मेरी हाँसी, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा मन बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल के ऊपर तहां जुलाहे न पाया। और यही परमात्मा से परिचित वो पुण्यात्मा गरीबदास साहिब जी बता रहे हैं, अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए। गरीबदास जी कहते हैं ये बंदी छोड़ है, यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और मंत्र नंबर 32 में लिखा है, कबीर अंगारी असी बंभारी असी रत धामा असी, रत धाम माने सतलोक का मालिक और बंभारी माने बंधनों का शत्रु, बंधनों का नाश करने वाला बंदी छोड़, अंगारी माने पापों का नाशक, पापों का शत्रु, ये कबीर परमात्मा है और वो सतलोक का मालिक है। तो यहाँ स्वयं परमात्मा भी कहते हैं, बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम, अमर करूं सतलोक पठाऊं तात बंदी छोड़ कहूं। यहाँ गरीबदास जी भी कह रहे हैं, अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नमाए, शब्द स्वरूपी साहेब धनी शब्द से अंध सब माही, बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई, जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर हैं ये अवगत पुरुष अलेख, सेवक होके उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाही। अब वो महापुरुष गरीबदास साहिब जी जिनको भगवान मिले थे, सचखंड लेकर गए थे फिर वापस छोड़ा था, परमात्मा को आंखों देखकर उनसे प्राप्त दिव्य दृष्टि और ज्ञान योग खुल जाने के उपरांत क्या कह रहे हैं कि सेवक होकर उतरे, उतरे माने वहां से चलकर आए, अवतरित हुए इस पृथ्वी के माही, दास बनकर आए, एक जुलाहा बनकर हमें दिखाया कि यदि तुमने मुक्ति चाहिए, इनकी यहाँ की बकवादों को देखकर अपने मूल उद्देश्य को भूलो मत। ये दिखाया परमात्मा ने कि मेरे से निर्धन तुम नहीं हो सकते,
और मैं सत भक्ति करता था भगवान पर विश्वास करके, दिखा करते थे हमें, वो खुद रिहर्सल कर रहे थे एक हमें समझाने के लिए। और फिर परमात्मा कहते हैं कि मेरे ऊपर एक ऐसी आपत्ति डाल दी थी इन लोगों ने, झूठी चिट्ठी लिख दी थी कि कबीर भंडारा करेगा। 18 लाख व्यक्ति आगे थे ये साधु संत, और परमात्मा ने 18 लाख व्यक्तियों को, एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति, जनता की नज़र में वो व्यक्ति थे, धानक और गरीब दुल्हा सुदर थे। और अब पता चला क्या चला, वो तो मालिक थे, लाल थे, पूरी सृष्टि के पालनहार थे। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला दिए, 36 व्यंजन खिलाए, लड्डू कचौड़ी सेब संतरे काजू किशमिश जो भी जिसने जो खाद्य पदार्थ थी, और दही बड़े। 18 लाख व्यक्तियों को 3 दिन भोजन कराना, कल जा फट जा, राजा हिल जा देश का। और एक झोंपड़ी में बैठा गरीब व्यक्ति, और इतना भोजन करा रहा, साथ में फिर दोहर दे रहा प्रत्येक खाने के उपरांत, दशा की चिट्ठी में उन दुष्टों ने लिख दिया था वो भी पालन कर रहे हैं, और साथ में एक असरफी सोने की स्वर्ण की मोहर दे रहे हैं जो 10 ग्राम सोना, और वो भी दे रहे थे। तो परमात्मा यही सिद्ध करना चाहते थे कि तुम यहाँ भक्ति करो केवल, और फिर मैं देखूँगा तुम्हारे सारे व्यवसाय को। देखो, माता पिता को बच्चों की सब चिंता रहती है कि अब इसको किस चीज़ की आवश्यकता है। गर्मी आती है तो गर्मियों के कपड़े, सर्दी आती है तो सर्दियों के कपड़े, समय पर भोजन व्यवस्था सारा कुछ करते हैं। तो आप उसके बालक बन गए इस दीक्षा के लेने के बाद, आपका पुनर्जन्म हुआ है इसी जीवन में। जिस दिन सतगुरु भेंटिया ता दिन लेखे जाने, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जब तक गुरु से उपदेश नहीं मिलते तब तक आपका जीवन, मनुष्य शरीर होते हुए मनुष्य का जीवन नहीं जी रहे थे हम, तो अन्य पशु पक्षियों जैसे ही क्रियाओं में व्यस्त थे। और जिस दिन से सद्गुरु मिलते हैं हमारी सब क्रियाओं में परिवर्तन होता है, हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। तो आप उस परमात्मा के वचन के पुत्र हो गए हो, पुत्री होगी हो, अब उसको चिंता रहेगी अगर आप विश्वास के साथ मर्यादा में रहकर परमात्मा की भक्ति करते रहोगे। कबीर साहब कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। जब मेरे सतर का काम होगा ना, जब देखना मेरे रंग, अपने आत्मा कितना धनी या कितना उच्च पोस्ट प्राप्त प्राणी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, उसका लड़का जा रहा है कितना कार में एक्सीडेंट में मर गया, तो वो समर्थता के काम आई उसकी, और भगवान के साथ प्रधानमंत्री भी भगवान की भक्ति कर रहा होता और बेटा भी कर रहा होता। तो वहाँ धनी का काम था वहाँ पर बचाने का, जीव नहीं बचा सकता चाहे कितना महिमावान हो। तो यहाँ कहते हैं कल्पे कारण कौन है, क्यों चिंतित रहता है तू, कर सेवा निकाम, निष्काम भाव से भक्ति कर मेरी, और मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे ते काम। तो परमात्मा पर विश्वास करके भक्ति करो। अब गरीबदास जी कह रहे हैं सेवक हो के उतरे, यानी दास बनकर आए भगवान इस पृथ्वी के माही, उद्देश्य क्या लेकर आए, जीव उदाहरण जगत गुरु, बार बार बलि जाऊं मैं, कि जीव उदाहरण के लिए वो जगत गुरु, सारी सृष्टि को सच्चा ज्ञान देने वाले वो जगत गुरु, जगत गुरु इसका नाम होता है, ये नकली जगत गुरु कक्का पता नहीं, जगत गुरु लिख रहे हैं तत्वदर्शी लिख, ये सब डुप्लीकेट हैं सारे के सारे, अज्ञानी प्राणी हैं जिनको कैख भी पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। उन आत्माओं देखो, परमात्मा की दया बिना सच्चाई ना तो कहीं जा सकती और ना स्वीकार हो सकती। अब दास ने लगभग 10 वर्ष हो गए टीवी चैनल पर सबको ललकार दिया, सबको बता दिया तुम झूठे हो, तुम्हारा ज्ञान झूठा, तुम्हारा भगवान नकली, और तुम्हारा ज्ञान गलत, तुम्हारी भक्ति गलत, और कोई नहीं चाह सकता। एक शब्द कहेगा दिखा दो कोई एक संत एक दूसरे के प्रति,
हंगामा मचा दें, क्योंकि वो झूठे को झूठा कहेगा। और यहाँ परमात्मा के ज्ञान के आधार से कहा जा रहा है, कोई सब बोल नहीं रहे, बोल रहे तो उनकी दूनी बिद पिटे। तो ये परमात्मा की दया है बच्चों, आप तक यो ज्ञान पहुँच पाया, ये दास जाने या भगवान जाने या मेरे साथ उस समय से लग रहे ये आपके भाई बहन इस संघर्ष किससे वो परिचित हैं, कैसे संघर्ष करके आप तक इस सत्र में पहुँचे, जेल तक भेज दिया झूठे केस बना के लोग नकली लोगों ने। लेकिन परमात्मा कहते हैं जिसके साथ भगवान होता है, और सत्य को कुछ दिन दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज देख रहे हो पूरा विश्व समझ गया कि सच्चाई क्या थी और किस प्रकार से आप तक ये ज्ञान पहुंचा पाए हैं। कोई टीवी चैनल वाला चलाने को तैयार नहीं, क्यों सारे नकली बैठे, उनको पैसे चाहिए। एक ये साधना वाले पे पता नहीं परमात्मा, ये कौन से जन्म का पुण्यकर्मी था, इसने हिम्मत सी करी और दया हुई दाता की, आप तक जो ज्ञान पहुंच पाया। और अब इसको संभाल के रखना, अब कर्तव्य है आपका प्रत्येक भाई बहन का, सभी विश्व के आप प्राणी आपके भाई बहन हैं, सतलोक के रहने वाले हैं, असंग जन्म या धक्के खाते भटकते हो गए हैं या ना सुखी हो सकते ना सुखी कभी हुए हैं, सबको बता दो, डंडोरा पीट दो कि मोक्ष होगा तो सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार हरियाणा में है, नाम लो और अपना कल्याण कराओ। सिद्ध तारे पिंड आपना, साधु तारे खंडे, उसको सतगुरु जानियो जो तारे देवे बिरमंडे। अब यहां परमात्मा के विषय में गरीबदास साहब जी कह रहे हैं, सेवक होकर उतरे दास बनकर, कबीर दास कबीर दास एकाधीन घूमा करते थे, हमें एक रिहर्सल बता गए कि यहाँ की फोकट महिमा ने देख कर फूलियो मत, ये तुम्हारी दुश्मन से दो जाएगी इस भगत भक्ति मार्ग में, और मेरे से कुछ छुपा नहीं, आपने किस चीज़ की आवश्यकता है, आप पर क्या संकट आने वाला है, उसको कैसे टालूँगा, मालिक को सब पता है। जैसे ऑपरेशन थिएटर में जाने के बाद मरीज अपने नहीं चलाना चाहिए, अपने चलाओगा तो केस बिगाड़ेगा वो, तो आप आगे ऑपरेशन थिएटर में और जन्म मरण का रोग आपका कटेगा, तो इस समय मरीज ने नहीं अपनी चलानी चाहिए, डॉक्टर ने कर देना चाहिए जो वो करना चाहता है। और इस में थोड़ा बहुत कहीं कष्ट होता भी है तो आपके बहुत बड़े भयंकर रोग का नाश हो रहा है, इस करके इस पर विश्वास रख। फिर बताते हैं, काशीपुरी कष्ट किया, काशीपुरी कष्ट किया, उतरे अधर अधारे, अधर अधार ऊपर से न्यू के न्यू आए, मोमन को मुद्रा हुआ फिर जंगल में दीदारे, मुसलमान को परमात्मा मिले और जंगल में उनका दर्शन हुए, कोटि किरण शिशि भाने शुद्ध आसन अधर विमाने, और परसत पूर्ण ब्रह्म को हो शीतल पिंड और प्राण, गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंते, जगर मगर काया करे जैसे दमक पद्म अनंते। अब नीमा की गोदी में जो परमात्मा आए, इतना सुंदर बालक कि तक देखा नहीं आज तक, ऐसा कलर उनका, और माँ की ममता एक विशेष होती है बहन में, बच्चे के प्रति उसने गोद लिया, छाती कहलाया, फिर मुंह चुम्या, प्यार किया, और उनका इतना इतना अच्छा सुंदर शरीर था, हेम रूप झलकंत, हिम हिम माने बर्फ, और बर्फ जैसी सफ़ेद कलर था उस परम पिता का, जैसे कभी कपड़ा लेना जाते थे दुकान पर सफ़ेद कपड़ा मांगते थे तो न्यू क्या अगर वो कहता था दुकानदार के स्नो वाइट है ये, स्नो वाइट माने बर्फ जैसी सफ़ेदी, सबसे अच्छी सफ़ेदी बर्फ की होती है, बर्फ की,
तो यहाँ हिम माने बर्फ होता है, तो गरीबदास जी कहते हेम रूप झलकंत, बर्फ जैसे व्हाइट कलर के परमात्मा का शरीर था। गोद लिया मुख चूम कर हेम रूप झलकंत, जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई कह इंद्र कुबेर। बच्चे को देखने के लिए आए, पहले तो नीरू को डर था कि यदि हम इस बच्चे को घर ले जाएंगे, अपनी पत्नी से कह दिया था इसको यहीं छोड़ दे, इसी में हमारी खैर है, क्योंकि पहले तो हम मुसलमान बना दिए जबरदस्ती, हिंदुओं से लिंक रहा नहीं, मुसलमानों से साथ नहीं, और अब ये पूछेंगे बच्चा कहाँ मिला, हम सच्ची बताएंगे कमल के फूल पर, और कोई कहेगा झूठ बोलते कमल के फूल पर बालक हो ही नहीं सकता, तो ये हमें हमसे बच्चा भी छीनेंगे और हमें यहाँ से नगरी से निकाला भी कर देंगे। लेकिन नीमा नहीं मानी, जिद पर अड़गी कि मैं मरूं चाहे जीऊं और इस बच्चे को लेकर चाहे मैं देश निकाला ले लूँगी पर छोड़ूं नहीं इसने, मर जाऊँगी इसके साथ में। उसके आगे नीमा, फिर परमात्मा बोले थे, नीरू ने धमकाना चाहा था अपनी पत्नी को, थप्पड़ पहले जीवन में पहली बार हाथ करना चाहा था, परमात्मा बोले गोदी में कि नीरू हमें घर ले चलो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। जब नवजात शिशु के रूप में बालक अर बोले द डर गया नीरू, कोई सिद्ध पुरुष ना हो इसमें, कोई फरिश्ता ना बोलता हो बालक में, और तेरी घड़ी दुर्गति हो जा, चुप करके आ गया था। अब घर आकर के लोग देखण आवे, नो गीत गाती औरतें आवे, नीरू कैसा सुंदर बालक आ रहा है, कमल के फूल पर पाया है, जंगल में पाया है, जैसे भी उनकी बुद्धि ने काम किया, कमल पे फूल ना तो किनारे पड़ा पाया है, मतलब इस तरह की दंत कथा वो बनाने लगे। तो वहाँ क्या कह रहे हैं आकर, काशी उमटी गुल भया, यानी सारी काशी उमड़ उमड़ कान लगी, सारा शोर माच गया, मोमन का घर घेरे, उस दुल्हे का घर घेर लिया मोमन मुसलमान का, कोई कह ब्रह्मा विष्णु है कोई को इंद्र कुबेर। कितना सुंदर बालक, आम नहीं हो सकता, कोई ब्रह्मा है कि विष्णु में तो कोई सा है, या कुबेर धन का देवता या इंद्र, उन देवताओं में से कोई एक ये आए हुए हैं। कोई कह वरुण धर्म राय है कोई कहत ईसे, सोलह कला सुभान गति कोई कह जगदीसे, कोई कह चल ईश्वर नहीं कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश का जो जो मातृसाए। अब निमा बालक में नाम धरे, कोई कहे तो भूत प्रेत से, कोई कह भगवान के सा दिख है, तो नीरू कहते नीमा जो जो उनसे झीखती है नाराज होती है, तो मेरे बच्चे का टोक लाओगे नजर लगाओगे, पता नहीं क्या क्या कह रहे हो। भक्ति मुक्ति ले उतरे ये मेटन तीनू तापे, होए होए भक्ति और मुक्ति यथार्थ लेकर उतरे दाता, और मेटन तीनू ताप, तीनों ताप का नाश करने वाले भगवान आए। तुम कौन राम का जपते जापम तात कटे ना तीनो तापम, तुम किन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जिससे तुम्हारे तीन ताप का नाश नहीं हो सकता। तो वो परमात्मा आए भक्ति मुक्ति ले उतरे और मेटन तीनो ताप, और एक मुसलमान का डेरा करया, दुल्हे का घर डेरा किया, और उसको कहे कबीरा बाप, अपनात्मा परमात्मा ने कहा है, सो हम शब्द हम जग में जाए, सार शब्द हमने गुप्त छुपाए। ये मंत्र सो हम नाम जो कोई देता है उसका अधिकारी नहीं है वो, इस दास के अतिरिक्त, और फिर उसके साथ अकेला सो हम काम नहीं करेगा। अब ये तो नकली ऐसे थे जैसे कोई कार गाड़ी है, कार कोई स्टेरिंग ले रहा है उसका स्टेरिंग, और किसी ने पहिया निकाल रखा है उसको घुमा रहा है कि या कार आ गई हट जाओ, कोई स्टेरिंग बच्चों की तरह घुमाए फिरते हैं, ये सारे मिलाकर ही कार बनती है राम नाम की गाड़ी। अब ये सभी मंत्र मिलकर के यथार्थ गाड़ी होगी तब ये चलेगी,
इसका वास्तविक लाभ मिलेगा जब सारे पुर्जे फटोंगे। दूध न पीवे न अन्न पके है न पलने झूलते अदर अमान ध्यान में कमल कला फूलते। कोई कहे चल, परमात्मा ने 25 दिन तक ना कुछ खाया ना पिया। अब नीमा को चिंता होगी कि हे परमात्मा, रोन लगी बुरी तरह कि बच्चा कुछ खा नहीं रहा तो कभी भी शरीर छोड़ सकता है। बुरी तरह रोने लगी, अन्न पानी स्वयं भी त्याग दिया लास्ट 25वें दिन, और कहा भगवान या तो देना नहीं था शंकर भगवान, और आज दे कर ले रहे हो, इससे इसके साथ मरूंगी मैं, अब जीऊंगी नहीं, इस बिना बच्चे बिना मैं जी नहीं सकती। तो परमात्मा ने सोचा है बुढ़िया मरेगी। उसी समय शंकर भगवान को प्रेरणा की शिव मंडल में उसके लोक से, एकदम वो सतर्क हुआ कि आपको मुझे कौन पुकार रहा है। जहाँ कर देखा एक माई रो रही है, एक साधु रूप बना के शंकर भगवान वहाँ आए और पूछा माई क्यों रो रही है। नीमा ने कहा कि महाराज मेरे दुख ने ना सुनो, आप भी दुखी हो जाओगे। यूँ कह के फिर रोने लगी। तो भगवान शंकर ने कहा माई कहा करते हैं अपना दुख दूसरे ने सुना दे कुछ हल्का हो जाता है, मेरे लायक कुछ होगा तो मैं कुछ तेरे को भलिए बात बताऊंगा, तू बता क्या बात है। तो भगवान शंकर ने से नीमा ने बताया कि मैं हमारे संतान नहीं थी बाबा जी, और एक दिन हृदय से पुकारा था अपने भगवान शंकर को, एक कमल के फूल पर लाल दिया मुझे, और ये लड़का 25 दिन का हो गया ना कुछ खाता ना पीता। तो उसने कहा मुझे दिखा तेरा बालक। नीमा लाई बच्चे ने उठा कर पालने मत है, और सोचा बाबा जी के चरणों में डाल दूँ, इसकी जीवन दान दे दे यूँ। जो ही चरणों में रखना चाहा बच्चा न्यू का न्यू उठ गया ऊपर, और भगवान शंकर के सिर के सतर में हवा में डट गया बच्चा परमात्मा। अब वह नीमा नो सोच रही थी कि इस बाबा जी में करामात है या मेरा बेटा उड़ा दिया हुआ में। परमात्मा गरीबदास कहते हैं धनी का पेखना जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा, जो सब कुछ करने वाला उसका जिक्र भी नहीं तुम्हारे पास, फलाने ने कर दिया धकड़े ने कर दिया, ऐसे तुम अटपट कर रहे थे। अब भगवान शंकर ने सोचा ये कोई सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त है, उन्होंने ऐसे हाथ किया गोदी में लेने के लिए, परमात्मा उनकी गोदी में आ गए, और आपस में दोनों की 7 बार चर्चा हुई। अरनीमा खड़ी खड़ी देख रही है कि 25 दिन का बालक बोल रहे, वो तो बोलता पहले भी लिया था लेकिन वो भूल पड़ जाती है हमारे। तब परमात्मा ने कहा कि हे शंकर भगवान, अब शंकर भगवान ने सोचा कि सिद्ध पुरुष है, मुझे भी पहचान लिया इसने, तो कि आप इसको ये कहो एक कुंवारी गाय लावें, और उस कुंवारी गाय के ऊपर आप अपना आशीर्वाद भरा हाथ धर दियो, वह दूध देवेगी। अब परमात्मा वचन तो मालिक का था, नियमत शंकर जी को बना रखा था। नीमा ने अपना पति बुलाया, उसको सब बातें बताई। वो कुम्हार के घर से एक साफ घड़ा लिया, छोटा सा कोरा मटका घड़ा, और वो गाय लिया बछिया जिसने दूध पीना छोड़ रखा था, और अभी सांड ने टच नहीं करी थी, वो जाके संग बैल नहीं लागा, वो ला के खड़ी करी। शंकर भगवान ने हाथ थपकी मारी, दूध की धार चल पड़ी, पात्र भर गया, अपने आप बंद होगी, डेली दूध देने लगी। जब परमात्मा ने दूध पिया, अपने आत्मा अब हमने परमात्मा को पहचानना है। हमारे ग्रंथ वेद क्या बताते हैं, वेदों के विषय में क्या सुना जाता है कि इनमें परमात्मा की महिमा लिखी है। तो परमात्मा की महिमा लिखी है तो जो महिमा परमात्मा की उनमें लिखी है, जिस परमात्मा ने वो लीला की है, तो ही इज गॉड, वही है परमात्मा। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 9 में
उसमें क्या लिखा है कि जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं तब उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 10 सूक्त नंबर 1 ऋग्वेद ये मंडल 9 और इसके कौन है अनुवादक और प्रकाशक सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा महर्षि सिद्धांत भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली महर्षि सिद्धांत द्वारा अनुवादित लिखा है इसमें मुद्रक प्रिंस ऑप्शन प्रिंटर्स 1510 पटौती हाउस त्रियागन नई दिल्ली। इसके बिल्कुल ये 9 मंडल से स्टार्ट है ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 ये मंत्र नंबर 9 है। इसकी संस्कृत है अभी इमम अधन्या उत्सनितम श्रृणंती धेनव धेनो माने गायें शिशु माने शिशु रूप में प्रगट परमात्मा सोमम सोम माने अमर परमात्मा इंद्राय पात्वे इसका अर्थ इन्होंने किया है उस सोम माने अमर परमात्मा को इन्होंने सोम मान लिख दिया सोम स्वभाव वाले पुरुष को। हर देखो अब ये इसी मंत्र के प्रथम यही ऋग्वेद मंडल 9वें मंडल का प्रथम सूक्त प्रथम मंत्र में ये सोम शब्द है इसका अर्थ है सोम माने है सोम स्वभाव वाले परमात्मन यानी सोम माने परमात्मा। हम यहाँ से इन्हीं के इन नकलियों के ही इस पहले तो इस अज्ञान को हटाएंगे। अब देखो उस सोम मान अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र हम 9वां आगे उस सोम माने अमर परमात्मा को पुरुष माने भी परमात्मा होता उस अमर परमात्मा को जो शिशु रूप में प्रकट होता है शिशुम कुमार अवस्था में ही अभी अधन्या अभी माने सब प्रकार से अधन्या माने बिना दनाई अहिंसन यानी धेनो माने गौवें तृप्त करती हैं। ओए होए हमने इनसे इतना ही लेना है जैसे हमारे यहाँ हरियाणा में एक क्योंकि हमारी लैंग्वेज इन्हीं भाषाओं से बिगड़ बिगड़ कर क्षेत्रीय भाषा बनी है जैसे हम हरियाणा के अंदर खूड कहते हैं जो हल से रेखा खींची जाती है तो संस्कृत में खूड ही शब्द है और यहाँ अधन्या माने बिना दनाई हम उस गाय को जो नए दूध नहीं हुई हो उसको अधन्या का बिना दनाई का करते या बिना दनाई है जिसके संग बैल नहीं लागा उसको कुंवारी कहते हैं अभी अधन्या यानी पूर्ण रूप से बिना दनाई यानी कति कुंवारी। जब वो अमर परमात्मा शिशु रूप धारण करके लीला करने आता है तब उसके बाल परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। ये क्या कौन कहता है हमारे वेद कहते हैं और वेद में परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था कि वेद मेरा भेद है मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिले मैं वो वेद जानते ना ही कि वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं और जिस लेकिन इन वेदों में वर्णित विधि से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती और जिस वेद से जो परमात्मा स्वयं आकर ज्ञान बताते हैं मैं मिलूं वो वेद जानते ना ही वो साधन वो मंत्र इन वेदों में नहीं है लेकिन वेद मेरी ही महिमा का गुणगान कर रहे हैं। तो ये स्पष्ट हो गया कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके लीला करने आते हैं उनके बालकपन में जो परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। अब परमात्मा का 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो इतिहास लिपिबद्ध है वो दिखाता हूँ। ये देखिएगा कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई से और ये इन कबीर पंथियों का ही छापा बनाया हुआ है कोई ने सोचा कोई डुप्लीकेट होगा। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत और यहाँ से छपा है मुद्रक प्रकाशक खेमरा श्री कृष्णदास अध्यक्ष
वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब इसके अब ये है कि ज्ञान सागर खंड है, ज्ञान सागर 74 पृष्ठ पे। अब कहते हैं, सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जैसे जमी चकोर पाया निसी चंदा। जुल्हे को जब ये पता चला कि ये परमात्मा हमारे लिए आए हैं, यानी जुल्हे बच्चे को पाकर जुल्हा बड़ा खुश हुआ। ले सुत चलो हर्ष मन कीना, ता तो पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ते आव, अन पानी भक्से नहीं खावे नहीं जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंद सो कही उत्पाना। मैं सुत पायो बढ़ाओ गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। रामानंद धान तब धारा, जुल्हा सो अस वचन उचारा। पूर्व जन्म ते ब्राह्मण जाति, हर सेवा की नी भली भांति। कुछ तो सेवा हर की चुकाता, ते भयो जुल्हो का रूपा। प्रीति प्रभु गए तो लेनी, ताते उद्धान में सुत तो दीना। अब इन्होंने जैसे कबीर पंथियों ने, वैसे तो दुखी व्यक्ति सब जगह जाते हैं अपने पुत्र के लिए, रामानंद जी से भी मिले होंगे, लेकिन वास्तविकता ये है क्योंकि परमात्मा ने कहा था कि गरीबदास वाले बर में पंथ में गरीबदास जी के द्वारा मेरी यथार्थ महिमा की वाणी पुनः प्रकट की जाएगी। तो उसमें भी यही प्रमाण है कि एक अनव्यावर को दूध दे दूध दिया तत्काल, और पी वह बालक ब्रह्म गति, ता शिव भय दयाल। शिव उतरे शिव मंडल से, अवगत वतन विनोद, और मैं के बदन खुलास कर फिर लिया ईश्कु गोद। तो यहाँ जैसा भी है इन्होंने, फिर भी उस सच्चाई को पकड़ना, हमने उस समय मालिक के साथ ने क्या लीला की थी। अब ये क्या कह रहे हैं कि रामानंद जी के पास गए कौन, नीरू। स्वामी रामानंद जी से पूछा कि मुझे एक बालक मिला है, वो खाना नहीं खा रहा ना दूध पी रहा, क्या कारण है महात्मा जी। तो उसने बताया है कि पिछले जन्म में तू ब्राह्मण था, रामानंद जी ने कहा, इसमें जो प्रकरण है ऐसा लिखा, और तू तेरे से कोई गलती बनी जिस कारण से तू दुल्हा बन गया, और तेरी फिर भी मालिक ने सुन ली, तुझे उद्धान में जंगल में बालक दे दिया। अब इस ये तब खाएगा, तो इसके लिए एक कुंवारी गाय लाओ और वो दूध देगी, तब यो बालक पीवेगा। देखिए अब नीरू कहता कि भगवान मेरे से गलती हुई, उसा मैंने फल पा लिया, और अब मैं आरत हो, हे प्रभु जसकी नो तस पायो, आरत हो तब दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। मेरे से जो गलती हुई थी, भगवान ने मुझे सजा दे दी, दुल्हा बना दिया आपके कहने अनुसार, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ संकट निवारण के लिए। सो ऐसा उपाय बताइए मेरा बालक कुछ खावे। तो रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा, तेरा बालक जो है कोई विद्वान पुरुष है। और बचिया जाही बैल नहीं लागा, अरसो लेठाड करो ते आगा। एक बछिया लियाओ जिसको बैल ने टच ना किया हो, और उसके साथ खड़े कर दो, वह दूध देवेगी। दूध चलो ते थनते, दूध दियो छिपाए, और अक्षुदावंत जब हो बालक, ताको देव खवाए। अब दूध पीवत नाम कबीर, दूध तब पीवत नाम कबीरा, खेलत संत मत सब धीरा। अब इससे कैसे दो गया, आंखों देखा संत बतावे गरीबदास साहिब जी, और हमारे ग्रंथ बतावे, हमारे वेद बता रहे हैं कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, वो पूर्ण परमात्मा है, सारी सृष्टि का रचनहार, वो ऐसी लीला करता है। वो कुंवारी गायों से उनके परवरिश होती है बचपन की, और ये लीला 600 वर्ष पहले परमात्मा की लीला वो जीवनी में लिखी है कि उस परमेश्वर ने ऐसी लीला की थी। तो हुई इज गॉड, कबीर इज गॉड। अब फिर क्या होता है, अब परमात्मा जिस उद्देश्य को लेकर आते हैं पुण्यात्माओं,
ये वेद भी बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, और भी अनेक स्थानों पर ये प्रमाण है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता, अमर लोक में, और वहाँ मनुष्य के समान, राजा के समान है, मनुष्य सदृश्य है, वहाँ से सह शरीर आता है, बिजली जैसी गति से आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं जो दृढ़ भक्त होते हैं और उनको ज्ञान सुनाते हैं। ये हमारे वेद बताते हैं। और जब परमात्मा शिशु रूप धारण करके आते हैं तो उस समय उनकी उनके जो परवर्ष की लीला कुंवारी गायों से होती है। और यही संत बताते हैं, यही हमारे ग्रंथ बताते हैं, तो परमात्मा को पहचानने में अब देर नहीं लगेगी। अब आगे बताते हैं, अब जिस उद्देश्य से परमात्मा आते हैं कि वो अपना ज्ञान सुनाते हैं, अध्यात्म ज्ञान, यथार्थ ज्ञान भगवान ही सुनाते हैं, और कवियों की तरह आचरण करते हैं, लोकोक्तियों के माध्यम से और दोहाओं के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से वो अपना ज्ञान महिमा प्रचार करते हैं, जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि भी कहलाते हैं। तो अपने आत्माओं, जिस लाल को हमने पत्थर जान के कूड़े में डाल रखा था, अब संभालो, इसको धनी हो जाओगे, अध्यात्म मार्ग के भी और भौतिक सुख भी यही दे सकता है, दूसरा इस पृथ्वी पर आपको देने वाला नहीं। अब क्या हुआ, अब थोड़ा मौखिक सुनाऊंगा, फिर आगे थोड़ी सी, क्योंकि समय का अभाव रहता है, समय, फिर एक बार आपको इस बात से दृढ़ कर दूं कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, वो मिलेगा कैसे, उसका यथार्थ भक्ति मार्ग कौन सा है और कहाँ प्रमाणित है, फिर आप ऐसे दृढ़ हो जाओगे जैसे हम पहले उस नकली ज्ञान पर दृढ़ हो रहे थे, नकली भगवानों पर, रामायण और महाभारत सुनकर नो ऑब्जेक्शन हो गया था, क्योंकि हजारों से एक ही बात सुनी थी। और ऐसा कहते हैं कि जिस झूठ को 100 बार सुन लिया जाए तो वो सत्य महसूस होने लग जाती है, हमने सुन रखी थी 1000 बार, तो अब इस सत्य को जब सुनोगे कुछ धीरे धीरे तो सत्य भी सत्य आपको महसूस होगी, तो फिर सुनाया करेंगे ये अमृत वाणी, आपकी आँखों से आंसुओं की झड़ी लगाया करेगी कि कहाँ भूले पड़े थे, कैसा जीवन नाश कर दिया था, हे भगवान, आप रात न उठ के भी सपने में भी उदड़ कर पड़ोगे, हे भगवान नाश हो जाता है, मार्ग ना मिलता थे, ये तो भांग का वाड़ा जीवन जाना था, आगे जीवन में कितने कष्ट आपको होंगे वह खड़े दिखाई देंगे, अगर भक्ति ना करते तो ये कष्ट आप पर व्यतीत होते जो भगवान बता रहे हैं, और अब वो खत्म हो जाएंगे। अब क्या बताते हैं कि फिर काजी आगे लड़के का नाम रखने के लिए कुरान शरीफ ले आए, काजी आए कुरान ले धर लड़के का नाम, अक्सर अक्सर मैं फुरा धन कबीर बल जाऊं मैं, सकल कुरान कबीर है हरफ लिखे जो लेख, काशी के काजी कह या गई दीन की टेक। अब काजी आगे परमात्मा के नामांकन करने के लिए, नामकरण करने के लिए, अब वो कैसे करते हैं, जैसे कुरान शरीफ को खोलते हैं, पवित्र पुस्तक है, और उसमें पहला अक्षर जो होता है उसके ऊपर नाम रखते हैं, जो ही उन्होंने कुरान शरीफ को खोला उसमें कबीर अक्षर था, कुरान सूरत फुरकानी 25, उसके अंदर सबसे पहला जब खोला तो कबीर निकला, कबीर, कबीर का अर्थ ये बड़ा कहते हैं, महान मानते हैं, अल्लाह अकबर एक भगवान का नाम भी मानते हैं, तो इन्होंने सोचा कि एक जुलाहे के बालक का और कबीर नाम रखना शोभा नहीं देगा, दूसरी बार फिर बंद करके फिर तुरंत खोला, उस पृष्ठ पर पूरे पर कबीर कबीर उर्दू फारसी भाषा में कबीर कबीर लिखे हुए थे, अरबी भाषा में,
कबीर कबीर दूसरा लेख नहीं रहा उस कुरान का। फिर और जगह देखा तो सारी कुरान में कबीर कबीर रह गया, कोई अक्सर नहीं रहा उनकी उस पुस्तक में। और परमात्मा बोले काजियो मेरा नाम कबीर ही रहेगा। काजी तो उस कुरान में पटक गए और भाग्य छोड़ गए। परमात्मा क्या बताते हैं उनके आगे क्या हुआ कि परमेश्वर जिस उद्देश्य से आए थे वो उन्होंने क्या किया, अपने आत्मा वो परम धनी थे परमात्मा कबीर जी, उनको गुरु की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इस परंपरा को का निर्वाह करने के लिए कि आने वाले समय में काल के दूत जैसे शिवजाल जी राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक मुखिया, इनका कोई गुरु नहीं था और यो भूत बनया। और परमात्मा की वाणी है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं चाहे पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु की, और तीन लोक के वे धनी गुरु अगाधी। तो इसलिए परमेश्वर ने गुरु बनाना परंपरा का निर्वाह करना अनिवार्य समझा। और दूसरा एक तीर से दो शिकार करने थे, रामानंद जी की प्यारी आत्मा ब्राह्मण थे, उसमें ब्राह्मण के घर में जन्म होना इन्हों सोच लो, वो इन्हों समझा करते हमारे बराबर इस पृथ्वी पर कोई नहीं, इतना अहम था, इतने पूज्य थे ब्राह्मण उस समय, और यहाँ की फोकट महिमा परमात्मा को पता था इन लेकर डूबेगी। कबीर साहब कहते मन तो सुख के सागर बसरे और न ऐसा यसरे, यहाँ कोई यस काम नहीं आओगा, ये नकली है। तो इस उद्देश्य से परमेश्वर ने जब 5 वर्ष के मालिक हो गए लीला करते हुए, एक 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया और जिस गंगा के पंचगंगा घाट पर प्रतिदिन स्वामी रामानंद जी स्नान करने के लिए जाया करते थे उनकी पौड़ियों में लेट गए। उस समय रामानंद जी की आयु 104 वर्ष की थी, परमात्मा लीला में आयु 5 वर्ष की थी, लेकिन 2.5 वर्ष की रूप बना के वहाँ लेट गए। रामानंद जी ब्रह्म मुहूर्त में वक़्त से जाते थे, उनके सिर में वो खड़ाऊँ लगी परमात्मा कबीर जी बालक के रूप में लेटे हुए, बच्चे की तरह रोने लग गए। रामानंद जी छेती जल्दी से नीचे झुके कि किसी बालक का चोट लाएगी, साधु संत कोई भी हो किसी मजहब धर्म का उसमें दया जरूर होती है, दया भाव से नीचे झुका तो उनके गले में एक कंठी होती है, कंठी जो वैष्णो साधु से दीक्षित होने का प्रतीक होता है, एक तुलसी के लकड़ी की कमणियाँ होता है, मन का एक धागे में बांध रखा होता है, वह निकल के परमात्मा की गलमा गलगी कबीर साहब के। रामानंद जी ने दिखी नहीं अंधेरे में और उठा के कहने लगे बेटा शरपा हाथ रखे, बेटा राम राम बोलो, राम राम बोलो, राम के नाम तो सुख होता है। परमात्मा चुप हो गए। रामानंद जी बोले बेटा बैठ जा, यहाँ कहीं जाना नहीं, मैं तुझे तेरे घर भिजवा दूंगा, सुबह पता करवा के मैं नहा लेता हूँ। वह नहाने लग गए, परमात्मा वहाँ से अंतर्ध्यान हुए, अपनी झोंपड़ी में आकर विश्राम किया। कुछ दिन रामानंद जी जब नहा धोकराए देखे बालक है नहीं, सोचा चला गया होगा, कहाँ ढूंढूं। कुछ दिन के बाद परमात्मा का ने क्या लीला की कि रामानंद जी का एक शिष्य विवेकानंद नाम का ब्राह्मण अपने क्षेत्र में कथा कर रहा था विष्णु पुराण की। अब परमात्मा जाकर बैठ गए वहां पर, जब उसने विष्णु पुराण की कथा सुना ली, विष्णु सर्वेश्वर है, इनके कोई माता पिता नहीं, अजरो अमर है, सारी सृष्टि के मालिक हैं ये, तब परमात्मा ने पूछा कि भगवान मैं एक शंका है मेरे मन में, कबीर साहब 5 वर्ष के बालक ने। तो विवेकानंद ने कहा कि बोलो बोलो क्या बात है, बोलो बेटा बोलो। परमेश्वर ने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण शिवपुराण सुना रहा था रुद्र संहिता में, वो बता रहा था कि विष्णु जी की उत्पत्ति भगवान सदा शिव और दुर्गा से शिवा से हुई है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकेश जांबे जी, मैं लुधियाना से हूँ और एडवोकेट हूँ लुधियाना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट लुधियाना में।
सर, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा 25 दिसंबर 2016 को ली है जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं कई भक्ति करता था जी। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं हनुमान जी का परम भगत था जी, तो मैं हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में भी जाया करता था और बाकी दिन मैं रूटीन में मंदिर के आगे भी गुजरता था तो हाथ जोड़ के निकल जाता था, लेकिन मंगलवार वाले दिन मैं हनुमान चालीसा का उच्चारण भी करता था, पढ़ता भी था और जितना वक्त मंदिर में मुझे लग सकता था मैं उतना बिताता था वहाँ पे। तो सर, आप हनुमान जी के परम भक्त थे, जो आप हनुमान जी की भक्ति करते थे उससे आपको क्या क्या लाभ हुए? जब मैं लुधियाना में आया था 19 सितंबर 2001 को जी, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने के बाद जब मेरा धीरे धीरे थोड़ा सा काम चलने लग गया तो मैं बहुत ज़्यादा शराब पीने लग गया जी, बहुत ज़्यादा। तो सर ऐसा था कि शराब पीते पीते कई बार क्या होता था कि रात को जैसे 12 भी बज जाते थे, तो एक्सेस विस्की की वजह से फिर कुछ होश वोश नहीं रहता था और मैं घर से यहाँ से निकल गए और फिर मतलब पूरी पूरी रात में घर नहीं लौटता था, फिर नेक्स्ट डे मेरे को कोर्ट भी जाना होता था, तो बड़ी हालात बड़े अजीब से थे। मैं कोर्ट भी जाता था, क्या करता कि मुझे काम भी करना है और मुझे अपने आप से घृणा होने लगी थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों इतनी पी रहा हूँ। मुझे ये पता था कि मैं जो कर रहा हूँ मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई भी ऐसी चीज़ आज तक नहीं मिली थी कि जिसकी वजह से मैं इसको छोड़ूँ। मैं सोच रहा था कि इसको छोड़ूँ तो कैसे छोड़ूँ, तो बहुत कोशिश की मैंने। इवन कई बार घर पे भी बात होती थी तो जो हमारे नियर्स एंड डियर्स हैं वो भी मेरे को कहा करते थे कि हम तेरी सब बातें मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर तू ये विस्की छोड़ दे तो हमारा जो घर है ये ठीक हो सकता है। तो मतलब घर की हालत इतनी दयनीय थी, मैं घर नहीं लौटता था, मेरे हालात ख़राब होते थे, मैं रात को परेशान भी होता था और कभी कभी ऐसे हालात होते थे कि क्लैश जिसको हम बोलते हैं, मतलब मैं क्या आपको बताऊँ कि हालात जो थे बद से बदतर थे और मैं बहुत खुद परेशान था। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी मैं अपनी विस्की को नहीं छोड़ पा रहा था। इसके अलावा और भी कई व्यसन थे जो मैं किया करता था, और भी बहुत सी गलतियां थी जो मैं किया करता था, लेकिन मैं उनसे उभर नहीं पा रहा था, उनको छोड़ नहीं पा रहा था। बहुत देर से मैं इस तड़पता था, रात को कई बार मैं लौट के नहीं आता था, मुझे ये लगता था कि कहीं कोई मेरे को मार ही देगा जब मैं रात को अकेला सड़कों पर घूम रहा हूँ, गाड़ी लेके दूर तक चला जाता हूँ लॉन्ग ड्राइव, और मुझे खुद समझ नहीं आता था कि ये कौन है मुझे भगाया जा रहा और मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे खुद को नहीं पता होता था। नेक्स्ट डे क्योंकि मुझे फिर काम करना होता था तो मैं फिर अपने काम में आके व्यस्त हो जाता था, शाम फिर हो जाती थी, फिर वही रूटीन मेरा शुरू हो जाता था। तो सर, आपने बताया कि आप हनुमान जी की भक्ति करते थे और उसके साथ साथ आपको एक शराब पीने की बुरी लत लग गई और उसके कारण आपकी ज़िंदगी नरक जैसी हो गई, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर ऐसा है कि मेरे को शुरू से अध्यात्म में इंटरेस्ट तो था ही, मैं जानना चाहता, मैं सुना करता था कि अक्सर सुना करता था गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दिया मिलाए, लेकिन मुझे गुरु का ना तो अर्थ पता था ना मुझे ये पता था कि कोई गुरु भी होता है या गुरु को अपनाना पड़ता है या हमें गुरु की ज़रूरत होती है अपने जीवन के लिए। मैं अपने आप को ही सबसे बड़ा गुरु समझता था, मुझे ये लगता था कि मेरे से ज़्यादा ज्ञान कहीं भी नहीं है। तो एक दिन क्या हुआ कि उस दिन संडे का दिन था तो मैं अपने घर पर बैठा हुआ था तो अचानक किसी ने मेरी डोरबेल बजाई और मैंने सामने देखा तो 3-4 लोग बाहर खड़े थे। उन्होंने कहा जी हम आपको एक बुक देने आए हैं। तो मैंने कहा जी मुझे तो ये बुक नहीं लेना। तो उन्होंने बोला कि ये बहुत बड़ा ज्ञान है, आप इस ज्ञान को एक बार पढ़ो, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो मैंने मुझे लगा कि ऐसी हज़ारों किताबें इस दुनिया में चल रही हैं और मेरे पास तो अपनी लॉ की इतनी बुक्स हैं, मैं वो नहीं पढ़ पाता तो ये किताब मैं कैसे पढ़ पाऊँगा। तो वो भी क्योंकि लॉ की बुक्स तो हमें मजबूरी में पढ़नी पड़ती है क्योंकि हमें अपना काम भी चलाना है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल में मैं भी उसी तरह दुनिया की तरह काम करे जा रहा था। तो जब उन्होंने बार बार मुझे कहा कि ये बुक आप एक बार लेके देखो, आप इसको पढ़ के देखो, ये 20 रुपये की ज्ञान गंगा है, तो मैंने कहा जी मेरे को ये बुक नहीं चाहिए, मेरे को आप ज़्यादा ज्ञान मत दो, मेरे पास बहुत बड़ा ज्ञान है, आप कभी मेरे पास कोर्ट में आओ मैं आपको बताता हूँ ज्ञान क्या होता है, क्योंकि मेरे पास तो भरा पड़ा था अंदर से ज्ञान और ज्ञान भी कौन सा जो अज्ञान था। तो जब मैंने वो बुक एक बार उनसे ले ली, वो बुक लेने के बाद मैंने रूटीन में उसको अपने सामने, मेरे टीवी रखा होता था, एलसीडी लगा हुआ था, तो वहाँ रख दी उसके नीचे उसकी ड्रॉज में। तो उसके बाद सर ऐसा हुआ कि कई दिन तक तो वो बुक पड़ी रही। अब मेरे हालात ये हो गए थे कि मैं एक तरफ तो वो बुक को देखता रहता था और दूसरा मैं अपनी ड्रिंक करता रहता था, शाम को 7 बजने के बाद मैं अपना ड्रिंक करना शुरू कर देता था। एक दिन ड्रिंक करते करते मैंने वो बुक उठा ली, उसको थोड़ा सा पढ़ा और उसके बाद फिर वापस रख दी। ऑन द वेरी नेक्स्ट डे मैंने वो बुक 4 बजे फिर उठा ली
और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया। वो बुक पढ़ते पढ़ते मेरे को 10:30 बज गए और बुक पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों से आंसू निकलने लग गए। और इतने में मेरी जो वाइफ है वो मेरे पास आई कि मेरा छोटा नाम विक्की है, तो मेरे को कहती विक्की आज आप ड्रिंक नहीं करोगे? तो मैंने कहा चल यार ड्रिंक लेके आ, छोड़ इसको। तो मैंने वो बुक रख दी, उसके बाद फिर मैं अपना ड्रिंक करने लग गया। अब धीरे धीरे हालात ऐसे बन गए कि एक तरफ तो संत रामपाल जी का सत्संग चल रहा होता था टीवी पे, साधना टीवी पे आता है 7:30 पे, और दूसरा मैं उस बुक को पढ़ रहा होता था, तीसरा मैं साथ में ड्रिंक कर रहा होता था। तो मैं ये सोचा करता था भी इनको मैं देखा तो बहुत पहले से करता हूँ अक्सर टीवी पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि, क्योंकि मेरे मन में एक विचार बना हुआ था कि जो संत होते हैं उनके भगवे चोले होते हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है, उनकी बड़ी बड़ी जटाएँ होती है, जो एक शुरू से मेरे मन में विचार बना हुआ था। तो मैंने देखा कि ये संत कैसे हैं जो बिल्कुल संत लगते ही नहीं हैं, एकदम सिंपल हैं, सिंपल वेशभूषा में हैं। तो फिर मैंने धीरे धीरे जब इनका ज्ञान सुनना शुरू किया और फिर वो ज्ञान गंगा जब मेरे अंदर वो ज्ञान समाना शुरू हुआ, तो धीरे धीरे मुझे ये करते करते एक महीना बीत गया और मैं संत रामपाल जी के सत्संग सुनने लग गया। वो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये लगने लग गया कि ये विस्की जो मेरी है अब ये ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, ये छूट जाएगी। तो मैं अक्सर अपनी वाइफ को कहा करता था कि मैंने इसको अब छोड़ देना, अब मैं पी नहीं पाऊँगा, मुझे ये लगता है कि जो ज्ञान मैंने पढ़ लिया इससे ऊपर इस विषम में इक्की ब्राह्मण में इससे ऊपर ज्ञान नहीं है, और मेरी आंखें खुलती जा रही हैं। और मैंने फिर अपनी वाइफ को बोला कि अब मैं इसको छोड़ दूंगा, तो वो हंसने लग गई, और मेरे परिवार के जो जितने भी सदस्य थे, मेरे 2 बेटे हैं, तो वो भी मेरे पे हंसने लग गए कि नहीं पापा ये हो नहीं सकता, आप इसको नहीं छोड़ पाओगे, आपकी इतनी लोगों से जान पहचान है, पार्टी है, आप रात भर लेट आते हो, लोगों से मिलते हो, पार्टियों में भी चले जाते हो, तो आप कैसे छोड़ोगे। तो ये बात है कि जी 2 दिसंबर 2016 उस दिन शुक्रवार का दिन था जी, तो मैंने जो लास्ट बोतल मेरे पास पड़ी थी मैंने उसको ख़त्म किया। और उस दिन मेरे को याद है कि उस दिन मैंने अपने बेटे को ज़ोर से आवाज़ लगाई कि क्रिश तू मेरे साथ बाहर चल, मैंने आज के बाद विस्की नहीं पीनी। तो मैंने वो बोतल उठाई, उसमें थोड़ी सी विस्की बच रही थी, तो मैंने उसको बाहर जाके उसको तोड़ दिया। वो 3 बारी में टूटी जी, 3 बारी में जब उसको तोड़ के मैंने फेंक दिया, जब मैंने अपने बेटे को बोला कि आज के बाद मैंने नहीं पियो, वो भी हंसने लग गया, वो कहता पापा ये पॉसिबल नहीं है, आप नहीं छोड़ पाओगे, हम इतने सालों से आपको देख रहे हैं। तो उसके बाद जब ये बात होती रही तो नेक्स्ट डे, उस दिन तो मैंने जो पीनी थी पी चुका था, तो नेक्स्ट डे हमारे जो थे इलेक्शनों के दिन चल रहे थे, हमारे सेक्रेटरी साहब खड़े थे इलेक्शन में, उन्होंने कहा कि देखो मैं तो इलेक्शन हार जाऊँगा अगर हमारी पार्टियों में नहीं आओगे। तो मैंने कहा नहीं भाई ऐसा है कि शायद ये आपका भी लास्ट इलेक्शन है, लेकिन मैं आपकी पार्टियों में जरूर आऊँगा, लेकिन भाई अब मैं पी नहीं पाऊँगा, अब मैं आप लोगों के साथ बैठा करूँगा, आपसे बात करूँगा, लेकिन अब मैं पी नहीं पाऊँगा, मुझे परमात्मा की तरफ से आदेश हो रहा है। तो उसी रात मेरे को संत रामपाल जी ने दर्शन दिए, मेरा हाथ पकड़ा कि बेटा आज के बाद तूने ये विस्की नहीं पीनी। और उस दिन के बाद सर मैंने कभी टच भी नहीं किया विस्की को, मैं छोड़ चुका हूँ सर। इसके बाद मैंने कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा। एक दिन जब मैं सुबह सुबह उठा तो मैंने वाइफ को बोला कि चल मेरे साथ चल, मेरे को नाम दीक्षा लेनी है। तो वो भी हैरान हो गई कि नाम दीक्षा, उसको भी नहीं पता था नाम दीक्षा क्या होती है। तो उससे पहले मैंने बरवाला काफ़ी फ़ोन किए, जो नंबर ये पट्टी पे चलते हैं साधना चैनल वालों की, तो बहुत फ़ोन किया उनको। मैंने ये भी बोला कि संत रामपाल जी जेल में, उनकी जमानत मैं कराऊंगा, मैं बड़ा वकील हूँ, यहाँ पे मेरे बहुत लिंक है, मैं सब कुछ करवा सकता हूँ, क्या क्या नहीं है जो मैं करवा। लेकिन धीरे धीरे मुझे इस बात का एहसास होने लग गया कि संत रामपाल कोई आम इंसान नहीं है, जिनको मैं आज तक मनुष्य समझ रहा था वो कोई और है। कहते हैं गुरु मानुष कर जानते ते नर कहिए अंध, होए दुखी संसार में फिर पड़े हैं यम के फंद। तो जिस गुरु को मैं ये समझ रहा था कि ये कोई मनुष्य है, तो मुझे बाद में धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लग गया कि ये परमात्मा की कोई ऐसी लीला है जिसका पार्ट मुझे भी अदा करना है उनके चरणों में। तो धीरे धीरे मैं इस बात को अंडरस्टैंड करने लग गया, और मैं जो बात बार बार उनको फ़ोन पे कह रहा था कि मैं जमानत कराऊंगा, वो बात फिर मैंने कहनी बंद कर दी। और 25 दिसंबर 2016 को मैंने सुबह सुबह 10:30 पर ये नाम दीक्षा ली, और नाम दीक्षा लेने के बाद जो मेरी ज़िंदगी बदल गई और मैं सब नरकों से छूट गया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, उससे पहले आपने बताया कि आपको एक बहुत बड़ी बिस्की की लत थी, उसे आपने छोड़ दिया, क्या उसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद आपको लाभ प्राप्त हुए? संत रामपाल जी से मिलने के बाद मेरे को वो लाभ हुए हैं कि जो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात है कि जो मन का सुकून है, जो मेरे मन में शांति है,
जो मुझे ये लगता कि मैं एक महीने बाद शायद डायलिसिस पे चला जाऊंगा, जिस तरह मैं पी रहा था, जिस तरह मैं अपने जीवन को तबाह किया जा रहा था, तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं आज अपने घर में बड़े खुशी से रह रहा हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे सब मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करता हूँ और बहुत ही एक सुनियोजित अच्छे ढंग से हम लोग अपने घर को आगे चला पा रहे हैं और बहुत बढ़िया। मेरी हर तरह की जो परेशानी है वो दूर हो गई है, आध्यात्मिक लाभ भी हुआ है, मन को सुकून है, आज कोई भी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। आज मेरे को करीब नाम लिए 1 साल 3 महीने से ऊपर हो गए हैं और इन 1 साल 3 महीनों में जो मैंने अपने जीवन में बदलाव देखा है, मैं कहता हूँ मैं सबको, पूरे जगत को, समाज को ये रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के भी आप एक बार ये ज्ञान गंगा किताब को जरूर पढ़ें। और क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान कहीं से भी मिले उसको एक बार जरूर लो और आप सारे वेद शास्त्रों से इस ज्ञान को टैली करो। किसी पे विश्वास मत करो, आप पहले इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पे विचार करो, सभी वेद ग्रंथ लेके आओ और उनमें आपको खुद पता चल जाएगा कि संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं इससे बड़ा ज्ञान इस सिक्की ब्राह्मण में नहीं है। सर, आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने से पहले ऐसा सोचते थे कि आप एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं और आप संत रामपाल जी महाराज की जमानत करवा देंगे, लेकिन दुनिया में ये कहा जाता है आज के समय कि संत रामपाल जी पर देशद्रोह जैसा बहुत बड़ा केस लगा हुआ है और संत रामपाल जी महाराज अब जेल से बाहर नहीं आएंगे, तो आप एक एडवोकेट हैं, आपका इस बारे में क्या कहना है? सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी पे जितने भी ये देशद्रोह के केस और भी ये जितने भी चाहे ये केस लगा लें, लेकिन संत रामपाल जी एक बहुत बड़े संत के रूप में विश्व में आ रहे हैं और सबको ये पता चल जाएगा कुछ दिनों के बाद। कहते आएगा बिसो बिसा ना रहेगा, ईसा ना रहेगा मूसा, और थोड़े दिनों में ये सारी चीज़ें सामने आने वाली हैं। संत रामपाल जी की सच्चाई सबके सामने आने वाली है कि संत रामपाल जी पे जितने भी आरोप प्रत्यारोप किए गए हैं वो झूठे और बेबुनियाद है और उनमें कोई भी ऐसा साक्ष्य आज तक ये प्रूव नहीं कर पाए। और अब मैंने वो लाइव सीडियां भी देखी उसके बाद संत रामपाल जी की, जिसमें ये दिखाया गया कि कैसे आर्य समाजी हाथ में डंडे लेके और कैसे पुलिस वाले संत रामपाल जी के भक्तों को पीट रहे हैं। और मैंने तो उस टाइम नाम लिया जब संत रामपाल जी जेल में थे। अगर मुझे उनमें कुछ भी ऐसी चीज़ दिखाती, मैं बींग एडवोकेट ये कहता हूँ मैं कभी भी उनको उनके साथ नहीं चलता, लेकिन आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनसे बड़ा संत इस पूरी पृथ्वी में इक्की ब्राह्मण में कोई भी नहीं है। सर, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि संत रामपाल जी विश्व का कल्याण करने के लिए बहुत जल्दी ही हम सब लोगों के बीच में विराजमान हो गए और वो जेल से जल्द ही आने वाले हैं और उनको कोई अंदर नहीं रख सकता, वो अपनी मर्जी से गए थे और अपनी मर्जी से आएंगे। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जेल से बहुत जल्दी बाहर आने वाले हैं, तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं उन सबको यही संदेश देना चाहूँगा कि जो मीडिया है हमारा, मीडिया ने हमारे देश का इतना बेड़ा गर्क कर रखा है, ये झूठा मीडिया है आप ये देखो, और ये भ्रष्ट लोगों ने इतनी हमारी दुर्गति कर रखी है कि बात कुछ होती है, बात को बनाया कुछ जाता है। संत रामपाल जी पे अभी तक पिछले 3 सालों में एक भी आरोप ये लोग सिद्ध नहीं कर पाए हैं और जहाँ तक मेरा विश्वास है ये एक भी आरोप कभी सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि झूठ झूठ होता है, सच सच होता है और सच्चाई के आगे झूठ हमेशा हारा है और ये हारेंगे और बुरी तरह हारेंगे। अंत में यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी सभी लोग संत रामपाल जी की शरण में आएं और ये अपना कल्याण करवाएं ताकि आने वाला जो जीवन है वो ठीक हो सके। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? सर, ऐसा है कि संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो टीवी चैनलों पे उनका सत्संग आता है उसके नीचे जो पट्टी चलती है उसमें नामदान सेंटरों के नंबर भी लिखे हुए हैं, आप उनसे फोन पे संपर्क करके नामदान की दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत्संग जी। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें